अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आते हैं एक और वीडियो के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में भी एक ड्रैगन आया मेरे पास जो क्लाइंट ने मुझे सेंड किया बनाने के लिए। तो वो ड्रैगन के ऊपर जो है उसका मैंने एक पार्ट बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि वो मैंने कैसे बनाया। ठीक है, कुछ उसकी भी सेटिंग रहती है, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको सेटिंग्स में स्क्रीन पे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ये अब स्क्रीन पर हम लोग आ गए। वेलकम आपने ऑन कर लेना। ठीक है, वेलकम ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्राइंडर है, ठीक है, ये लोगो हमने बनाना है। ठीक है, ये लोगो हमने बनाना है। ये ड्रैगन है और ये आएगा ऐसे हुडी के ऊपर आएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आएगा फुल फ्रंट के ऊपर आएगा, हुडी के ऊपर, यानी कि ऐसे आएगा फुल फ्रंट के ऊपर, ये हुडी के ऊपर आएगा। तो ये आप तकरीबन 18 cm से 20 cm तक बना सकते हैं। ठीक है, 18 से 20 cm के दरमियान ये बना सकते हैं। तो ये उसने मुझे क्लियर जेपैक पिक्चर सेंड की है पीएनजी फॉर्मेट में, पीएनजी या जेपैक जेपीजी जो आप कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट आपको चाहिए होता है बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव इमेज, जहाँ पे सेव करानी है आप सेव कराएं इसको। मैं डेस्कटॉप इसको ले देता हूँ ड्रैगन के नाम से। ठीक है, ड्रैगन जीरो टू। इसकी जो ईएमबी मैं ओपन कर लेता हूँ, जितना हिस्सा मैंने इसका तैयार किया था, ये एक पार्ट मैंने इसका बना लिया था। ठीक है, इसकी अब इमेज आप ओपन कर लें करें जो मैंने वहाँ पे वो सेव की है ड्रैगन के नाम से, डी और ये आ गया। ठीक है, और फाइल पे जाएं, जो आ गई। ठीक है, साइज 20 cm, अच्छा ये है। ठीक है, इसका हम कर इसको पहले क्रॉप कर लेते हैं इमेज को। इमेज सेलेक्ट की, इमेज में गए, क्रॉप इमेज, इमेज में गए क्रॉप इमेज। ये चलिए करना इसको 20 130। ठीक है, 20 cm में इसको आप उठाएं, ये मैंने किया है तैयार, इसको ऐसे ले आते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल जी करें, कंट्रोल डी करें, कंट्रोल जी ग्रुप, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, राइट क्लिक करें, मिरर पे, मिरर इन एक्स, लेफ्ट साइड पे लेके जाने के लिए। कंट्रोल पकड़ के लेके आएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसका देख लेते हैं, जेड से जूम इन, ये थोड़ा ऊपर है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं, जैसे है हमने वैसे ही बनाना है। अगर उनकी पिक्चर में ऊपर है, इसमें ये हिस्सा नीचे है, लेकिन वो जिसने ये पिक्चर ट्रेस की है उसने ठीक नहीं की, उसने ऊपर नीचे रख दी है। ठीक है, पिक्चर को इसमें फॉलो नहीं करना। ठीक है, ये पिक्चर ट्रेस करने वाले ये पैक बनाने वाले ने उसने किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इनपुट ए पकड़नी है लेफ्ट क्लिक से। ठीक है, इनपुट ए पकड़ी, उसके बाद आपने ये ट्रेस करनी है। ये चाइनीज लेटरिंग है, चाइनीज लेटरिंग है, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये मैंने बताया हुआ, सीधी लाइन लगाने के लिए लेफ्ट क्लिक, जहाँ पे आपको कर्व चाहिए वहाँ पे अपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, ये रियर लेफ्ट, रियर लेफ्ट, अब यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कर्व चाहिए, राइट क्लिक, राइट क्लिक किया आपने, फिर कर्व, लेफ्ट क्लिक, सॉरी कर्व क्या रूँ, कॉर्नर, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, ये भी ऐसे लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट, लेफ्ट, उसके बाद आएगा आपका ऐसे लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट,
ठीक है, ये एक हिस्सा बन गया चाइनीज लैंग्वेज का। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, इसको आपने ट्रेस करना है। इनपुट ए आपने सेलेक्ट की हुई है पहले से, लेफ्ट क्लिक, ये लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन लगाने है वहाँ पे अपने लेफ्ट क्लिक करना है। जहाँ पे आपको कर्व चाहिए या सर्कल में कोई लोगो आ रहा है या आर्च में आ रहा है वहाँ पे अपने राइट क्लिक करना है। लाइन जी ये ठीक है, ऐसे आ गए। ये ले ये चीज़ ठीक है। इसको आप एक छोटा सा स्मार एक ऑब्जेक्ट लगा दें सेपरेट सा, अगर मैं इकट्ठा बनाऊँ लेकिन मैं भूल गया था, मैंने इसलिए सेपरेट आप लगा दिए, कोई मसला नहीं, आप बाद में भी लगा सकते हैं सेपरेट। लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे लेफ्ट करें, सॉरी थोड़ा ओपन करता हूँ, लेफ्ट करें लेफ्ट, यहाँ पे फिर राइट कर दें ठीक है, क्योंकि आज जा रहे थोड़ा सा, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट राइट ये ठीक है। ये भी इसी तरह बनेगा आपका, लेफ्ट क्लिक करना है, कंट्रोल पकड़ के एक क्लिक लगाना है साथ लेफ्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट 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 ठीक है। यहाँ पे आपने लगाना है सीधी लाइन लेफ्ट क्लिक ठीक है, यहाँ से आपको कर्व क्लिक चाहिए, राइट क्लिक करेंगे कर्व लग जाएगा ठीक है। ये देखें ये लेफ्ट, ये इतने हिस्से पे ये आर्च आ गया ठीक है। ये जहाँ पे ये नोड लगा होगा सर्कल का वहाँ पे आपका कर्व है, और ये स्ट्रेट नोड जहाँ पे वो आपकी लाइन है सीधी लाइन यानी कि। फिर इनपुट ए पकड़ी, शॉर्टकट की इसकी शिफ्ट ए है ठीक, शॉर्टकट की शिफ्ट ए, लेफ्ट क्लिक किया लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक लेफ्ट, ये चीज ठीक है, लेफ्ट ये ड्रैगन, इसलिए आपके सामने मैंने ट्रेस नहीं किया क्योंकि इस पर बहुत टाइम लग जाना था, टाइम मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है ये चीज़ ठीक है। ये हो गया, इसके टोटल नंबर ऑफ स्टिच आप देख सकते हैं कितनी आ रही है, 4,500 ठीक है, यानी कि 45,000 स्टिच आ रही है इसकी, 46,000 इसकी स्टिच आ रही है। इसका आप क्रैंड, इसका जो मैंने जो चार्ज किया वो $30 चार्ज किया क्रैंड से ठीक है, $30, तो उसको आप मल्टीप्लाई करके देख रहे 154 यानी कि आई थिंक 154 भी है करंट जो रेट जा रहा है डॉलर का, 154 का कितना बनता है ये 154 मल्टीप्लाई 4,620 ठीक है रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ ये अमाउंट आ रही है आपके आपके सामने। सबसे पहले आपने जो है ना एक ड्रैगन ये स्टार्ट किया ठीक है, नहीं चला दिया हुआ ये, इसकी सेटिंग कैसे करनी है कैसे है सेटिंग का सारा चीज मैंने आपको पहले बता दी हुई है, अब सिर्फ जो मैं सेटिंग करके दिखाऊंगा वो इसकी करके दिखाऊंगा ठीक है। चाइनीज सेटिंग की ये आप सेलेक्ट कर लें, इसको लेफ्ट क्लिक करें, अंडर एयर के ऊपर राइट क्लिक करके अंडर एयर आपने राजमी देनी है सेंटर रन की, सेंटर एंड की अंडर एयर आदमी देने 1.5 पे करनी है ओके ठीक है। फिर आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज भी आना है इसकी, ये स्टिच फाइव फिल स्टिच ठीक है, इसको जो ऑटो स्पेसिंग जो ऑफ ऑन होगी टिक लगा होगा इस पर, इसको आपने ऑफ कर देना ठीक है, चेक ऑफ कर देना। फिर यहाँ पे आपने करना 0.37 हो गया, पुल आपने दे देना 0.3 का, पुल 0.3 का आपने दे देना ठीक है, और ये आपका हो गया सेंटर एंड ठीक है 1.5 पे ओके। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, सेटिंग इसकी करनी है, ये जो ब्लैक डेटा पोर्शन देख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये अभी स्टार्ट होना है, इसको मशीन ने चलाना है, ये जो आप देख रहे हैं ना कलरफुल ये चल चुका है ठीक है। अब जो सीक्वेंस हम यहाँ पे सेट करेंगे उसी सीक्वेंस से जो है ना मशीन चलाएगी इसको ठीक है, अब लास्ट पे ये चलाएगी लैटरिन, फर्स्ट ये चला ड्रैगन, सेकेंड ये चला, और थर्ड वन लास्ट पे ये चलेगा ठीक है। तो अब इसको आपने ये चलाना है, कट पेस्ट करें कंट्रोल एक्स भी, स्टार्ट जहाँ मर्जी रखें, एंड आपने वहाँ पे रखना है जहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का स्टार्ट होगा ठीक है, प्रीवियस का एंड नेक्स्ट का आपने रख देना है जहाँ पे स्टार्ट, ये एंड ये स्टार्ट मैंने यहाँ पे रखा है एंड ये ठीक है। ये ब्रश का जो है ना ये एंड होता है, मतलब कि यहाँ से थ्रेड एग्जिट होगा निकलेगा यहाँ से बाइक धागा, ये स्टार्ट है यहाँ से धागा दाखिल होगा ठीक है। अब मैंने इसका जो स्टार्ट है वो यहाँ पे रखा एंड ऊपर रख दिया ठीक है।
तो अब हम ये स्टिच एडिट करेंगे क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, इसको मैंने नीचे चढ़ाना है इस पोर्शन को। तो ये एडिट स्टिच है, इस पर आप क्लिक करेंगे एडिट स्टिच के ऊपर, जूम कर लें, जूम इन, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें, ठीक है, स्टिच एडिट हो गया। यहाँ पर कट पेस्ट करें, ये जो इतना ही सही नीचे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये बाद में चलेगा, ये अंडर लेयर सा चढ़ गई, ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह आपने फिर स्टिच एडिट करनी है ये, और यहाँ पे ये इस तरह कर लें, ठीक है, इस तरह कर लें, यहाँ पे ऐसे कर लें, लेकिन ये फिर भी एच करें, एडिट से स्टिच ऊपर करें, इतना कर लेते हैं क्योंकि एडिट स्टिच करने ये है एडिट, ठीक है, ये तो इसको हम चला देते हैं, कट पेस्ट किया, स्टार्ट एंड यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ताकि धागा यहीं से एग्जिट होगा, यहीं से एंटर करेगा, एंटर भी यहीं से करेगा, एग्जिट भी यहीं से करेगा। ट्रायल ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक किया, ये चल गया, ठीक है। उसके बाद अभी ये पार्ट हमने चलाना है, इसको कंप्रेस भी किया, स्टार्ट एंड एक ही जगह पे रखता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अंडर एयर के साथ स्टिच एडिट किया, शॉर्टकट की ई है इसकी, सॉरी इसकी शॉर्टकट की ई है, और ये इसका आइकॉन बना हुआ एडिट स्टिच का, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स भी किया, इसको स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टिच एडिट किया, ये एडिट करके इसको एक्स भी किया, स्टार्ट एंड एक ही जगह पे रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये स्टिच एडिट पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देता हूँ, इसको चला देता हूँ इसी को, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से इसको स्टिच एडिट करें, यही सच रहा है, एक्स भी करके फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट एंड एक ही जगह पर रखें, ठीक है। उसके बाद ये आपको अंडर एयर के साथ चलाना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, तो हमने इसको नीचे चलाना है। तो स्टिच एडिट करें, लेफ्ट क्लिक करके सेंटर पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, एडिट हो गया। एडिट होने के बाद इसको आप कट पेस्ट करेंगे, कट पेस्ट के बाद स्टार्ट एंड एक जगह पर रखें, गिरे ये भी हो गया। फिर स्टिच एडिट किया, फिर आपने इसको चला दिया, स्टार्ट एंड एक ही जगह पर रखें अपना, गिरे जी ये आपका हो गया। ट्रायल बाय फंक्शन से जितनी कनेक्टिंग होगी ये बता देगा, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, ठीक है, इसने बता दे यहाँ तक कनेक्टिंग आपकी होगी। सिर्फ ये सनी भी स्टार्ट ये नहीं चला, इसको भी हमने चलाना है, तो इसको आप एडिट स्टिच करके यहाँ पे आए, ठीक है, इसको कट पेस्ट कर दें, स्टार्ट एंड एक ही जगह पर रखें, फिर ये चल गया, ठीक है। उसके बाद अब आ गई है ऐसे, ठीक है, स्टार्ट वो एंड ये, कट पेस्ट किया, स्टार्ट ये एंड ये, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ये देखें, लेफ्ट क्लिक किया, ट्रायल बाय फंक्शन से मैं आपको चला के दिखाता हूँ, लेफ्ट क्लिक किया, ये देखें, ये अब राइट क्लिक करेंगे, ये देखें, ये कनेक्टिंग है, यानी कि मशीन इतना पार्ट जो है ना कनेक्टिंग करके चलाएगा, ठीक है। ये आगे जो ये जंप है, तो जंप हमने लेके नहीं आना क्योंकि ये ऑलरेडी उसके साथ अटैच है, उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नज़दीक है, हम इसकी अंडर रेल के साथ चलाएंगे, ठीक है, इस लाइन की। तो आप एडिट करें स्टिच को, ये स्टिच एडिट करें, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें, इसको चला दें, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, कट पेस्ट, सिंपल फार्मूला है, कट पेस्ट, जो सा भी ऑब्जेक्ट आपने चलाना है उसको आप कट पेस्ट करेंगे, वो चल जाएगा, ये ले, ये व्यूअर्स ये आ गया, ये आपका लोगो हो गया तैयार, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, बस कलर आप इसका चेंज कर दें, करके मैं इसको सेव करवा देता हूँ फाइल को, जहाँ पे सेव करानी है पहले, जी क्राइंट, जो क्राइंट है जिसको आपने सेंड करना है, वो तो मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की थी ना, ड्रैगन टू सेव एज, आपको बताया क्राइंट को कौन सा फॉर्मेट सेंड करना है, तेजीमा DST, ठीक है। ये तो आप क्राइंट से पूछ रहे हैं, उसके बाद कौन सी मशीन है, उसके बाद लोग PES फॉर्मेट मांगते हैं, PES फॉर्मेट ये आ जाता है, ठीक है, ये PES फॉर्मेट, ठीक है। बाद लोग PES फॉर्मेट मांगते हैं, जो PES फॉर्मेट मांगेंगे उसको आपने PES फॉर्मेट में ही सेंड करना है, आपने तीन फॉर्मेट सेंड करने हैं, PDF फॉर्मेट सेंड करना है आपने, PDF के बाद आपने सेंड करने DST या PES, जो क्लाइंट मांगेगा, ठीक है। उसके बाद एक EMB फाइल, ठीक है, EMB फाइल जो होती है वो सोर्स फाइल होती है, अगर वो वहाँ से कोई एडिट करना चाहे, बाद क्लाइंट कर लेता है समटाइम एडिट, ठीक है, उसको जो समझना है वो दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपको बोलेगा कि मुझे इसको दोबारा आप एडिट करके दोबारा से सेंड करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी इसको DST फाइल चाहिए, मैं इसको DST में करूँगा सेव, ठीक है, हो गया। कलर चेंज, कलर आपने वही रखना है जो पिक्चर में है, पिक्चर में ब्लैक है तो हम ब्लैक कलर रखेंगे, ये मैंने वैसे चेंज किया था ताकि हमें ट्री व्यू देखने में आसानी हो, ठीक है।
तो अब इसको आप राइट क्लिक करें, एडिट में गए, मिक्स में आए, ब्लैक कलर से सेलेक्ट किया, ओके ठीक है। डी से जो है डी शॉर्टकट कमांड है ड्राइंग को हाइड और शो करने की, वो मैंने आपको बता दिया, देखिए हाइड होगी ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो आप इसको पीडीएफ में जब भी आपने कन्वर्ट करना फॉर्मेट, आपने यहाँ पे आना है प्रिंट प्रीव्यू पे आना है, लेफ्ट क्लिक करना है प्रिंट प्रीव्यू पे आके, उसके बाद ये आ गए ठीक है। ये जब जो बड़ा लोगो होगा ना, जो बड़े साइज का लोगो होगा, वो आपकी एक पूरी स्क्रीन पे नहीं आएगा, उसको आपने क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके शो आर पे जाना है ठीक है। शो आर पे क्लिक करना है, ओके ये आ गया, ऑप्शन पे क्लिक करना है, शो आर, ओके ठीक है। फिर आपने क्लोज कर देना, ये इसके ऊपर सारी डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगी, पता चल जाएगा। ये देखिए ये साइज वगैरह यहाँ पे आ गया ठीक है, हाइट विड्थ स्टिच इतनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ स्टिच, कलर एक है, स्टॉक यानी कि मशीन एक दफा स्टॉक ही है, तजीमा मशीन ट्रिम 40 है इसके अंदर ठीक है, यानी कि कितनी दफा थ्रेड कटेगा ठीक है, 40-40 टाइम यानी कि थ्रेड ट्रिम होगा, लेफ्ट राइट अप डाउन ये कितने यानी कि एमएम सब डिटेल ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ रहे हैं, मैक्सिमम स्टिच इतनी है, मिनिमम स्टिच इतनी है, कलर ये ठीक है, टोटल बोबन कितने, बोबन जो उसको बोलते हैं वो आप देसी जबान में क्या फिरकी फिरकी बोलते हैं, जो मशीन के नीचे लगती नहीं अंदर इनसाइड ठीक है, बुबन वो बुबन है उसको बुबन कहते हैं ठीक है। ये आ गया यहाँ पे टोटल बुबन 49.9 एम यानी कि 49.9 एम थ्रेड यूज होगा इसके अंदर ठीक है। तो अब इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल पी करें आपने, पहले यहाँ से सेटिंग कर लेनी है आपने, लेफ्ट क्लिक करके इसका प्रीव्यू वगैरह सेट कर लेना, पहले ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे था ठीक है, प्रीव्यू ऑप्शन में जाके आपने आर पे क्लिक करना है, शो आर पे ओके क्लोज करना है, फिर कंट्रोल पी प्रेस करना है, कंट्रोल पी के बाद आपने पीडीएफ आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ठीक है, ओके करना है, इसको ओके करने के बाद जहाँ भी सेव आपने करवाना है, जो कस्टमर का जो फोल्डर था मैं वहीं पर जाके उसको सेव करवाऊंगा, डीएसटी भी सेव होगी और ईएमबी फाइल भी सेव होगी। आपने जब भी क्लाइंट को सेंड करनी है तीन फाइल सेंड करनी है, उससे उसको सोर्स फाइल भी सेंड करनी है, जो वो फॉर्मेट मांगेगा डीएसटी या पीडीएफ वो पीएस या कोई भी एक्सटेंशन मांगेगा वो भी आपने सेंड करना है, और उसके साथ आपने पीडीएफ फाइल सेंड करना है। पीडीएफ फाइल जो होता है वो कलर सीक्वेंस के लिए होता है, वो वहां से जो है अपने जो उनका ऑपरेटर होगा वो थ्रेड वगैरह अपने मुताबिक लगा देता है, धागे जिसे बोलते हैं धागे अपने मुताबिक लगा देता है ठीक है। तो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा और शेयर कर देगा, ओके इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।